सूरज उदय और मजनू। और सूरज तो ढलता भी है, उदय और मजनू कभी नहीं ढलते। अरे वाह क्या बात है मजनू भाई, उदय भाई के लिए तालियां एक बार वापस से। मजनू भाई अभी आपसे सवाल मेरा, अगर लड़की चाहिए बोले तो हमारी भाभी किस टाइप की होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? भाभी इसको चाहिए और चॉइस हमको पूछ रहे हैं, तू बता देना कैसी भाभी चाहिए तेरे भाई? भाभी चाहिए मतलब सुंदर सुशील चलेगी अपने को तो कैसी भी, बस उसी की तलाश में है। देखते भाई आप इन लोग की ये तलाश पूरी होती है नहीं होती, फिलहाल के लिए तलाश पूरी हुई है। हाँ क्या है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। अरे बंद करो यार ये, कुछ सुन तो लेना थोड़ा। सॉरी एक औरत नहीं है जो खर्चा कर सकती है, बस उसी की तलाश में मिल जाएगी, मिल जाएगी। तेरे देखते ये तलाश पूरी होती नहीं होती भाई लोग की, फिलहाल के लिए इधर बुलाना चाहेंगे उनको जिन्होंने ऐसा अपने नाम पे जयंती रखी भाई, जा जाके लोगों से हफ्ता वसूली करके अज्जू भाई के लिए तालियां ठोक।
आपकी आवाज में इतना पावर नहीं, वो तो है लेकिन क्या करें, किसी के लिए झगड़ा है पूरी फिल्म में। फिर देखोगे तो पता चलेगा हमने बहुत कुछ देखा है। मतलब एक होता है ऐसे स्टेज पे आने के बाद एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलना पड़ता है, मन में तो बुरा रहता है कि नहीं बोलना है, लेकिन दिल से कहता हूँ कि बच्ची को जब सिलेक्शन इसका हुआ अनीस, तो मैंने कहा ये बच्ची अच्छी है तो क्यों नहीं माँ, तो वो मुझे कहती है कि मैं आपके प्रेयसी का रोल अदा करने वाली हूँ, बच्ची क्यों कहते हैं। मैंने कहा बेटा एक्टिंग करनी है उसके पैसे मुझे मिलेंगे, असल में तो कुछ कर नहीं सकता मैंने क्या कहा था उदय भाई, मजनू भाई और सूरज वो कभी ढलते कभी ढलते नहीं थे। अब ये इन्होंने उम्र का कैसे इनको बताया कि नहीं उम्र हुई है, लेकिन मैं सच कहता हूँ इस बच्चे ने इतना बेहतरीन काम किया। आज मुझे बुरा लग रहा है कि परेश नहीं है, नसीर भाई नहीं है, नसीर भाई नहीं हुए थे पैकेज का प्रॉब्लम हो गया तो उसकी वजह से नहीं आए, परेश अब तो एमपी है तो उसकी वजह से उधर ज्यादा उसको रेट देनी पड़ती है, और मैं सच कहता हूँ कि थोड़ा सा एक हिचकिचाहट रहती है। मैंने कुछ अलग नाम सजेस्ट किया था भाई को, लेकिन इस बच्ची ने इतना बेहतरीन काम किया है, इतना बेहतरीन दो जवान बच्चों के साथ ये इस बच्ची ने इतना बेहतरीन काम किया है। थैंक्स अ लॉट। मैंने देखी है फिल्म, उसके बाद मैं कहता हूँ शूटिंग के दौरान बहुत मैं चिल्लाता था। रही बात हमारे ये भाई साहब, मैं सच कहता हूँ अकाउंट दिखाऊंगा मेरे पूरे के पूरे पैसे मिल गए हैं और वो भी 6 महीने पहले, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। काम का तो एक आत्मिक समाधान तो होता है लेकिन पैसे का समाधान कुछ अलग ही होता है, तो खैर मैं बहुत खुश हूँ। खैर मजाक दूर रखते हैं, लेकिन इस बंदे ने जिस तरह से मतलब अगर 10 पैसे खर्च करने हैं तो नहीं भाई आप 20 क्यों नहीं कर रहे, 20 करने हैं तो 50 क्यों नहीं कर रहे, जिस तरह से तूने जो कुछ किया फिल्म के लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सबकी तरफ से। मैंने बोला था भाई यहाँ आने के पहले मैं तेरे बारे में अच्छा बोलूंगा। जॉन टैक्सी नंबर 9211 के बाद जॉन के साथ ये फिल्म, एक बच्चा वहां कितना मतलब बहुत अच्छी फिल्म थी, काम अच्छा किया था, लेकिन वहां रॉ आया हुआ बच्चा मालूम नहीं कैसे घबराता था, इस फिल्म में आके आप जरूर देखिए जिस तरह से उसने काम किया है। I'm so proud। रहे हमारे भाई साहब मजनू भाई, सच कहता हूं परिंदा के बाद हमने फिल्म को कोई की तो वेलकम बैक, वेलकम अभी की वेलकम बैक, 19 साल के बाद हमने साथ में काम किया था। अब उस वक्त तो ये भाई स्टार था, हम तो नए नए आए हुए थे, अनिल कपूर साहब तो बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन इतनी दोस्ती हो गई कि 19 साल तक हमने काम नहीं किया लेकिन फिर मैंने वेलकम की तो वहां मैं अनिल से पहचान हुई, और मैं सच कहता हूँ वेलकम बैक में मुझे रेम्यूनरेशन के साथ बहुत कुछ मिला, तो मुझे घर और मेरा बड़ा एक छोटा भाई मिला मुझे। I'm so happy. मैं तो तू मुझे मिला, I'm so happy. और ये कहने के लिए मैं आ जा रहा हूँ, सच कहता हूँ आया, I'm so happy. नाना साहब ये मैंने भी बहुत कलाकारों के साथ काम किया है, बहुत दिग्गज कलाकार हैं जिनका नाम है तो बहुत तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि हिंदुस्तान के बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, मगर आज मैं इस मंच पर कहता हूँ कि मैंने मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेहतरीन कलाकार अगर मैंने किसी से काम किया सबसे बेहतरीन कलाकार मेरी करियर मेरे करियर इंटरनेशनली और नेशनली दैट इज नाना पाटेकर।
हम तय करके आए हैं, लिखा हुआ है, हम पूरा लिखा हुआ है, कैसे मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोल। मेरी एक्टिंग कैसी लगी? मैं सच कहता हूँ कि ये एक दूसरे को पाना नहीं तो होता है ना ऐसे। अनीस के साथ मैं सच कहता हूँ बहुत झगड़ा हुआ था मेरा, मैं बात ही नहीं करूंगा। लेकिन क्या होता है, मेरा झगड़ा ज्यादा देर तक रह नहीं सकता, थोड़ी देर तक वो, फिर वो ऐसे होता है, फिर बाद में खत्म हो जाता है। मेरे लिए, मेरे पास उतना वक्त नहीं है दुश्मनी के लिए। झगड़ा सभी के साथ है, दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। तो बड़ी खुशी है आज यहाँ बैठे हुए देखते हुए पता चलता है कि उस वक्त, मतलब हमारी एक फिल्म होने वाली थी एक साल में, थोड़ी सी देर हो गई जॉन की वजह से, किसी का तो नाम लेना पड़ता है तो लेकिन आज जाके देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि हमारे हाथ से कुछ ऐसा हुआ। अनीस तू बेहतरीन बेहतरीन डायरेक्टर है। अभी अनीस लिफ्ट में आते वक्त कहता है मेरे बाल यहाँ से ठीक नहीं लग रहे। मैंने कहा अनीस तेरे तू बाल की वजह से नहीं पहचाना जाता, तेरा डायरेक्शन है और तेरी लिखावट है, जो तू लिखता है इतना बेहतरीन करता है, और डायरेक्ट करते हुए हमें पता भी नहीं चलता कि ये बंदा डायरेक्ट कर रहा है। अच्छा बताओ, बताओ क्या कर रहा है? नाना जी बोलो कैसे कर रहे हैं? अनिल जी हाँ ऐसे, अच्छा इधर से आएंगे, ओके अच्छा चलो ओके। हमेशा इतना अनीज ही रहता है स्टेज पे, और ये जब मॉनिटर पे होता है तो अनीस कैसे देखता है सीन। हमारा सीन चल रहा है, अनीस देख रहा है, तो सीन अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? अनीस साउंड कैमरा एक्शन। मतलब उनके चेहरे पे पता चलता है कि वन मोर किगन, और मतलब गंदा हो गया तो एक ऐसी अल्लाह, तो फिर समझना है कि वन मोर। और ये ज्यादातर होता था इसके इसके नसीर के और सबके सीन में, हमारे सीन में नहीं कभी। थैंक यू अनीस, इट वाज सो नाइस, इट वाज सो नाइस वर्किंग विथ यू, इट वॉज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। और एक जो रॉ क्वालिटी है अनीस की, अभी भी वो बन चुका नहीं है, वहां नहीं पहुंचा, वो वैसा का वैसा ही है और ऐसा ही रहे, वैसा ही चाहिए मुझे तो। थैंक यू। और ये जो यहाँ बैठे हैं हमारे बुजुर्ग दादा, आप इनके गाने देखिए, सभी गाने जो उन्होंने जो किए हैं, तो उनको जो बरसों से कर रहे हैं भाई, हमें एक अच्छा लगता है, हम जैसे हम अनिल और मैं डांस डायरेक्टर को हम कहा करते थे कि भाई एक शॉट जो है आपको ये मूवमेंट है, ये है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, एक टेक जो हमने कर दिया वैसा दूसरा नहीं होगा हमसे, तो कैमरे 3-4 लगा दो फिर तुमको कट मिलेंगे, क्योंकि हमें ही मालूम नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये फिल्म जब रिलीज होगी तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया है। सो ये बंदे हैं, इन्होंने बेहतरीन गाने दिए हैं, और बहुत आतुर है, उत्सुक है एक बंदा जो कुछ कहना चाहता है, जो फिरोज नड़ियाद वाला, क्योंकि उनको मालूम है उसने क्या झेला है। But I would just like to express each and every person connected with the movie, Nana ji, Anis bhai, Anil ji, John who's been working on this particular movie for last 2 years, patiently waiting. He's really worked hard, and we've got great support from Anil ji, Nana ji throughout. And we are very happy to introduce Ankita in the movie, and the other stars. Naseer bhai is there, Paresh ji is there, Shruti, Dimple, everybody, and all our team members, writers, our cameramen. So I would like to express a word of thanks to everybody, please. And at this moment, to Eros for taking charge of this movie and giving us a great opportunity to showcase this movie to the entire world. And Eros also has been a great support to the entire film industry, not just to this movie. So I think it's a blessing for the entire film industry that we have Mr. Kishore Lulla and Jyoti ji and Sunil Lulla, because they provide us with a platform to show. Thank you, Ross.
भाई माइक सभी चालू रखो, क्योंकि ये बीच में बोलेंगे, बीच में बोलने की हमकी सहूलियत रहनी चाहिए, ताकि कोई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है वो हम बता दे। बहुत अच्छा बोला तू। अच्छा पीवीआर जरा एसी ऑन करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी यार। नहीं सारे हॉट वाले लोग एक साथ पीवीआर को थैंक यू नहीं बोलेंगे हम लोग। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ये सब बहाने हमको नहीं चाहिए। अनीस भाई आप जरा कुछ बोलिएगा। आई थिंक वी कैन ऑल हैव अ सीट। या वी कैन ऑल सिट डाउन। दोस्तों मुझे जितना बोलना था वो सब कुछ जो है वो नाना जी ने बोल दिया है ऑलरेडी, और सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जो नाना जी बार बार बोल रहे थे कि ये हमने सब प्लान किया है, लिख के आए हैं, मेरा यकीन जानिए ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे बहुत ही खुशी हुई जब नाना जी ने जिस तरह फिल्म के एक्सपीरियंस को लेकर बातें की है वो उन्होंने दिल से की, और इसीलिए हम लोगों के दिल तक पहुंची है। ये जो फिल्म है ये बहुत जल्द रिलीज होगी 4 सितंबर को, और इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है एक ट्रेलर जो है आप लोगों ने देखा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और बाकी जो है ये जब फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच सर। आई नो आप लोगों के भी जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो अभी यू पीपल कैन शूट, शुरुआत करेंगे। बैक की पूरी टीम को मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बॉलीवुड नजर। यहाँ पे एकदम मिडल यहाँ पे जी। मेरा सवाल है जॉन अब्राहम से। जॉन सर शूट आउट ऑफ वडाला के बाद आप फिर से यू नो भाई के अवतार में आए हैं, और इस बार भी आपके सामने अनिल कपूर होते हैं, इस बार थोड़ा फनी में भाई बन रहे हैं, तो इस केमिस्ट्री के बारे में आपको क्या कहना है और अपने रोल के प्रेपरेशन के बारे में आपको क्या कहना है? जी आई थिंक एज फार एज द रोल इज कंसर्न्ड ये एक भाई का रोल है, जैसे आपने कहा इट्स अ कॉमेडी फिल्म, और इस रोल में जितना भी कुछ मैंने किया इट्स थैंक्स टू मिस्टर अनीस बज़मी। अनिल सर के साथ जो मेरा केमिस्ट्री है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वी वर्क टुगेदर इन शूट आउट एट वडाला, और नाना सर के साथ टैक्सी 9-11 में, परेश सर के साथ गरम मसाला और एक आध और फिल्म में, सो केमिस्ट्री इज रियली स्पेशल, और इन सबसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। एंड क्रेडिट तो सिर्फ अनीस भाई को देना चाहता हूँ, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने मुझे इसमें गाइड किया आई थिंक इज रियली रियली स्पेशल। फिरोज जी मेरा आपसे सवाल है, ऐसा खबरें आई हैं कि जो मूवी है, भले हमने ट्रेलर में देखा सितंबर 4 को रिलीज हो रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आप शायद पोस्टपोन करने वाले हैं सितंबर 11 को, जस्ट टू अवॉइड क्लैश विद हीरो, कितनी सच्चाई है इस बात में? वी आर कमिंग ऑन द 4th ऑफ सितंबर, दैट्स कंफर्मड, एंड दैट्स ऑल आई कैन से फॉर अस, एंड आई वुड रिक्वेस्ट द मीडिया वी रिस्पेक्ट द क्वेश्चंस जस्ट टू वेलकम बैक प्लीज, बट एज फॉर द मूवीज रिलीज डेट इज कंफर्मड, वी आर डेफिनेटली ऑन 4th सितंबर। थैंक यू। Hi, this is Akanksha here from 9FM. To Mr. Bazmi, why is Akshay not a part of the sequel? Akanksha, ये जो पहली फिल्म है जहाँ हमने खत्म की थी, वो फिल्म जो है अपने आप में एक कंप्लीट फिल्म थी, वहाँ खत्म हो गई। वो रोल जो है अक्षय जी का जो था वहाँ पर, अक्षय एंड कतरीना एंड मल्लिका, ये तीनों के रोल वहाँ खत्म हो गए थे। ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से जो फिल्म शुरू होती है उसमें जो हीरो है वो अच्छे हो ही नहीं सकते थे, इसलिए कि पहली फिल्म में वो थे वो शरीफ से इंसान, इसीलिए जो हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि इसमें जो बेस्ट नजर आएंगे और इस तरह का रोल जो है वो उसके साथ पूरा इंसाफ कर सकेंगे वो है जॉन, एंड जॉन ने बहुत ही खूबसूरत काम किया इस फिल्म में। श्रुति आना चाह रही थी, उसने बहुत कोशिश की, बट उसकी शूटिंग है दुबई में, लेकिन जो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम रखेंगे उसमें श्रुति, टिम्पल जी, परेश भाई एंड नसीर भाई, ये सारे लोगों का आप मिल पाएंगे। डन हो गया, मैरियट में मिले, मैकअप करने का भाई, आप लोग सारे लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब लोग जो है वो मैरियट में हम लोगों को ज्वाइन कीजिएगा, वहां बहुत मजा आने वाला है। नाना जी अनिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस बारे में। क्या कोई सवाल ही नहीं कर रहा यार, ये क्या तरीका है, इतने लोग बैठे हैं कोई सवाल, कुछ तो सवाल करो, कुछ है आपके जहन में कुछ टेढ़ा वाका, जो भी सवाल करो। नाना जी आप बहुत कम मूवीज में दिखते हैं तो क्या कारण? अरे कोई लेता ही नहीं यार। अनिल जी माय क्वेश्चन इज टू यू सर। सर यो यू सर यो
सो सर इज इट ट्रू कि नाना सर थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है ऑन सेट्स, कभी भी थोड़ा भी कुछ बुरा लगता अभी है? तो 10 मिनट पहले झगड़ा हुआ है सर, लिफ्ट इधर कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, इतना बड़ा स्क्रिप्ट हमको अभी हाथ में थमा दे रहे हैं। हमने कहा यार रिहर्सल नहीं कुछ नहीं, ऐसे कैसे करेंगे? तो मैं बेचारा वो कंपेयर करने वाला था, मैंने कहा गलत सवाल किया तो मैं मारूंगा, तो बोलता यार आप काय को मारेंगे, माफ करना यार सच्ची सर। अभी क्या करेंगे? अभी देखो यार यहाँ तो एक ही बात हो सकती है, फियास को रटने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है कि नहीं? इनको लगता है कि नहीं बहुत स्वयंभू तो है नहीं, हम ये लिखते हैं हम बोलते हैं, ऐसे थोड़ी है, झगड़ा बहुत होता है यार। मुझे लगता है, देखिए एक बात बताओ, जहां तक एक्टर और डायरेक्टर का ताल्लुक राइटर का होता है, मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छी बात है कि भाई या तो कन्विंस हो जाइए या कन्विंस कर दीजिए, क्योंकि एक एक्टर जो बिल्कुल सवाल ही नहीं करता है और सिर्फ काम कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कितना इंटरेस्टेड है फिल्म में काम करने में। लेकिन क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्टर्स हैं, इतनी बड़ी फिल्म बनती है जब, तो बहुत सारे एक्टर्स होते हैं और सबके जहनों में अपने सवाल होते हैं और वो होते हैं, लेकिन मुझे लगता है एज ए राइटर डायरेक्टर अगर आपने मेहनत की है स्क्रिप्ट पे और अगर आपने उस फिल्म को जिया है और उस फिल्म को सोचा है और अगर आप क्लियर हैं, तो मुझे लगता है उतनी तकलीफ होती नहीं है। इसलिए कि लास्ट में मामला यही है कि जो ये होता है जो डिस्कशन, वो सिर्फ इसलिए होता है कि किस तरह हम जो मेहनत कर रहे हैं वो और अच्छी हो, तो वो जो रिएक्शन होते हैं उनके वो पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आपको एज ए राइटर डायरेक्टर ये पता है कि आप क्या फिल्म बना रहे हैं, तो क्लियर हो जाता है और कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं होती। नहीं, एक थोड़ी सी बात ऐसी होती है कि इनको हम हमेशा कहते हैं कि भाई सीन जरा थोड़ी जल्दी दे देना ताकि वो जहन में रह जाए। ये रात को लाके वो हमारे होटल के इधर से अंदर से सरका देते थे रात को 3 बजे, इनको 2 बजे सूझने लगता है। मुझे बोलने दो, अब ये चाहते हैं कि हम दूसरे दिन करें। एक एक्टर करके इनसिक्योरिटी भी होती है यार, इसको क्यों इतनी अच्छी लाइनें दी है, मुझे क्यों दी, ऐसे होता है ना, ऐसे थोड़ी बोले चलेगा। तो डिस्कशन उसके ऊपर भी होता है यार, मेरी पंच लाइन क्यों नहीं, इसकी क्यों है, इसकी क्यों है, मेरी क्यों नहीं, तो उसके ऊपर बहस ज्यादा होती है। मैंने नाना जी को बताया भी था, क्या है कि स्क्रिप्ट जो है वो लिखी होती है, सीन्स लिखे होते हैं, बट मुझे लगता है कि एक जो सिर्फ डायरेक्टर होता है वो एक बाइंड स्क्रिप्ट को जो है वो एक चीज मानकर वो शूट कर सकता है, लेकिन जब एक राइटर आप होते हैं तो आपके साथ एक एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी ये होता है कि आपको जब सुबह शूट करना है तो रात को बहुत सारी चीजें समझ में आनी शुरू होती है, और अच्छा खासा जो लिखा हुआ सीन है जिसको लोगों ने सुना है और बहुत वाह वाह किया है, वही रात को ऐसा लगता है कि नहीं इसमें भी बहुत कमियां हैं, तो वो एक दुश्वारी है। ये एडवांटेज आपका है, डिसएडवांटेज हमारा है। अनिल सर फिर से मजनू भाई बनना कितना एक्साइटमेंट रहा, कितना अच्छा लगा, और बार बार आप अड़ंगा क्यों लगाते हैं जॉन को और इनके बीच में? देखिए एक तो अच्छा इसलिए लगा क्योंकि 7 साल के बाद मैं कर रहा था, कोई भी कैरेक्टर हो कोई भी रोल हो हर साल मैं करूंगा तो आपको भी बोर करूंगा और खुद भी बोर हो जाऊंगा, तो काफी अरसे के बाद ये रोल जब करने का मौका मिला और अनीस साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, फिरोज साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं और नाना साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। देखिए जब तक फिल्म में जब अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं साथ में, जॉन साहब हैं, परेश हैं, नसीर हैं, तो करने का मजा ही कुछ और होता है। तो मजनू भाई का जो है ये पूरा जो माहौल है इस फिल्म का, उसमें जो करने का मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि इतने बड़े फनकारों के साथ मुझे ये कैरेक्टर करने को मिला है। मैं अकेला अगर सॉलिट्यूड या अकेले में ये मजनू भाई करूंगा तो मजनू भाई जो है एकदम फ्लैट हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरह लिखा गया है, और जैसे कि नाना साहब हमेशा कहते हैं कि मजनू के बिना उदय नहीं, उदय के बिना मजनू नहीं। लेकिन जॉन 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 यस नाना सर इज सेइंग समथिंग। नहीं नहीं एक ही सिक्के के दो पहलू है, इधर उधर वैसे है ये दोनों कैरेक्टर। तो कह रहे जॉन 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 आपकी बॉन्डिंग ऑन सेट्स किससे अच्छी थी, मजनू भाई के साथ या उदय भाई के साथ? दोनों के साथ, तीनों के साथ, घुंघरू भी थे वहां पे। आई थिंक द बॉन्डिंग वॉज फैबुलस, जो एनर्जी था सेट पे, एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ कि इट वॉज एब्सोल्युटली पॉजिटिव, फैंटास्टिक। सवाल है अनिश जी, नसीर साहब का जो कैरेक्टर है वॉन्टेड भाई, क्या ये रिप्लेसमेंट है आरडीएक्स कैरेक्टर जो वेलकम में फिरोज खान साहब ने किया था? फिरोज खान साहब को नो वन कैन रिप्लेस,
ऐसे मत बोलो। वो भी पहले कहा फिरोज खान साहब, फिरोज खान साहब थे वो, खान साहब बच्चों के जैसा हमें ट्रीट करते थे, लेकिन ये कैरेक्टर अगर खान साहब होते तो शायद खान साहब ही करते, मतलब मैं कह देता हूँ। लेकिन नसीर उतने ही कैलिबर का, उतना ही ग्रेट, और उसकी वजह से नसीर इस फिल्म में है, लेकिन खान साहब की रिप्लेसमेंट नहीं। अंकिता, माय क्वेश्चन इज फॉर यू हियर। नॉट ओनली इज दिस योर फर्स्ट फिल्म, बट यू आर विद सो मेनी स्टॉलवर्ड्स इन ब्रांडेड, इन अ ब्रांडेड फ्रेंचाइज, व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस एज योर फर्स्ट फिल्म, एंड हाउ कॉन्फिडेंट और हाउ स्केर्ड वर यू? कि जो मेरा जो मेरा फर्स्ट सीन था वही नाना जी और अनिल जी के साथ था, तो मैंने देखा और मैंने कहा अच्छा अभी क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और स्क्रिप्ट भी थोड़ा लंबा था, तो थोड़ी देर में बैठी रही। उसके बाद मैंने कहा यार अंकिता डरने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि डरोगी तो आवाज नहीं निकलेगी, और अगर आवाज नहीं निकलेगी तो नाना जी की आवाज बहुत निकलेगी तो इससे बेटर है कि डर छोड़ो और जो भी है बस कर दो बिंदास। तो मैं जब भी जाती थी सेट पे डरी हुई रहती थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखाती थी कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बट अंदर से बहुत डरी हुई रहती थी। सो थैंक यू जॉन। जॉन यहाँ जॉन जी। अंकिता सॉरी जॉन यहाँ पर, यहाँ आपके लिए जी जॉन। या टू क्वेश्चंस फॉर यू। फर्स्टली इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मद्रास कैफे के बाद ये आपकी 2 साल बाद ये पहली रिलीज वेलकम बैक होने वाली है, तो इतना वक्त क्यों लगा, मतलब कि आपको अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी या फिर क्या वजह थी सिल्वर स्क्रीन से इतनी दूरी बनाए रखने की? और दूसरी बात, ये फिल्म कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मद्रास कैफे क्रिटिकली बहुत अप्रिशिएट किया गया था आपका परफॉर्मेंस, बट बॉक्स ऑफिस पर इतना कमाल नहीं कर पाई थी, वो आपको किसने कहा? रिपोर्ट्स। आई थिंक एवरी फिल्म इज इम्पोर्टेंट, लेकिन मैं एक फिल्म पे इतना स्ट्रेस नहीं करता हूँ कि ये फिल्म अगर चले ना चले कुछ होगा। आई थिंक वो आप लोग का काम है, मेरा नहीं। एंड मेरा काम है परफॉर्म करना है, एंड दैट्स व्हाट आई एम मेंट टू डू। मैं फिल्म्स बनाता हूँ एंड आई एंजॉय डूइंग इट। 2 साल, 1 साल, 3 साल, मेरे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई एम नॉट इनसिक्योर, आई कैन वेट। थैंक यू सो मच जॉन, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। सर, 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 कौन? नितिन, एक सवाल। हां, कौन? नितिन, हाय सर, आप सभी से एक सवाल। अरे उधर का लोड कम हो जाएगा, वो पूछो पूछो। हेलो, आप सभी से एक सवाल है कि इस काले के पीछे का राज क्या है? कपड़े आपने काले पहने? ये हमारे जहन का रिफ्लेक्शन है, दिल के भी हम काले हैं और कपड़े भी काले। हेलो 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 अनिल, आप बताएं। अजी बताएं काले के पीछे का राज। आई थिंक बिकॉज़ आई थिंक ब्लैक इज यू नो ऑल ऑफ अस, इट्स अ फेवरेट कलर, आई लव ब्लैक आई थिंक, एंड यू नो आई थिंक ब्लैक इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी लुक्स गुड एंड कूल, दैट्स अ रीजन आई। हेलो सर, यो सर, यू वर एज एन एक्टर ऑन अनु मलिक जी, अनु मलिक जी। अनु सर, सवाल आपके लिए। रमेश राव फ्रॉम ब्लॉकबस्टर, इधर है अनु जी, इधर लेफ्ट में, लेफ्ट में सर। हां, बोलिए बोलिए सर। हाउ आर यू? गुड गुड सर। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू सच एक्शन मूवी? आपने किस तरह गाने और कैसे क्या किए? देखिए, देयर आर मल्टीपल कंपोजर्स इन दिस फिल्म, और फिरोज एंड अनीस आर वेरी वेरी स्पेशल टू मी, एंड कंट्रीब्यूशन ये है कि नाउ जो मेरा गाना छुपा के रखा है वो गाना आएगा तो बड़ा हंगामा होगा, और साथ साथ देयर इज सम इंटरेस्टिंग न्यूज आई वुड लाइक टू शेयर, दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर आई डोंट थिंक आई हैव एवर हर्ड जॉन अब्राहम सिंह। मैंने जॉन अब्राहम से भी एक गाना गवाया है, विच आई थिंक इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिग हाइलाइट्स ऑफ दिस फिल्म, एंड दैट इज माय कंट्रीब्यूशन मिस्टर ब्लॉकबस्टर। थैंक यू। ओके, वन आखिरी सवाल गाना देवी सज्जन। पिछली फिल्म में आपके साथ मल्लिका शेरावत थी, उनके साथ रोमांस करना ज्यादा एक्साइटिंग था कि न्यू कमर के साथ ज्यादा एक्साइटिंग था? अरे यार, दोनों में करने नहीं मिला, क्या बात कर रहा है भाई। कुछ करने जाओ तो ये बीच में आता था, कहीं मैं गया तो
छोड़ो यार क्या है, हमारे दुख हमें मालूम है। सारा जलता है ना, बिल्कुल। चलो वहां मिलते हैं, थैंक यू सो मच। ये तो मस्त सरप्राइज है आप सब लोग। अच्छा वहाँ प्लीज सब लोग आइए, बिकॉज हमारे जो वहाँ फिर इंडिविजुअली बात कर सकते हैं। इस फिल्म से जुड़े हुए काफी लोग हैं जो यहाँ हैं, लेकिन वक्त की वजह से उनको स्टेज पे नहीं बुलाया जा रहा है। हमारे राइटर, हमारे अदर टेक्नीशियन, सारे लोग आपको वहाँ मिलेंगे, तो प्लीज सभी आप सारे लोग वहाँ आइएगा। मैं अभी एक जिक्र करना चाहता हूँ, हमारा अर्जुन अर्जुन कुमार करके हमारा एक है बंदा, जिसने दुबई की हमारी पूरी जो शूटिंग है उसके बदौलत हुई। और दूसरी हमारी है लुबना, जो लुबना नहीं आई है, मुझे मालूम नहीं वजह क्या है। सो लुबना, वी मिस यू, थैंक यू। अच्छा अभी आप लोग सब वहां आइए प्लीज, मैरियट में। हाँ फोटोग्राफ फोटोग्राफ।